हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ न्यू एंड यूनिक लिपस्टिक शेड्स। ये जो शेड हैं थोड़े डिफरेंट है, जैसे मैं खुद हमेशा बाय करती हूँ वो बिल्कुल न्यूड, वो वैसे नहीं है। यहाँ मैंने कोशिश की ऐसे शेड लेने की जो कि ज़्यादातर स्किन टोन्स को सूट हो सके और थोड़े डिफरेंट भी हैं। प्लस बहुत सारी लिपस्टिक ने नए शेड्स एड ऑन किए हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि मैं यहाँ पे नए शेड ही मैंने यहाँ उठाए हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट। जो सबसे पहले लिपस्टिक है वो है ये फेसेस कनाडा की। ये कोई नया शेड नहीं है, पुराना ही है, पर मैं हमेशा से लेना चाहती थी। ये है शेड क्रश्ड बेरी। तो ये आपकी कुछ ऐसी दिखती है। ये जो शेड है थोड़ा पिंक वाइब भी दे रहा है, मरून वाइब भी दे रहा है, मतलब काफी बोल्ड शेड है जो कि सभी स्किन टोन पर सूट करेगा, चाहे फेयर मीडियम या डार्क हो। और ये लिपस्टिक भी काफी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपके लिप्स पे रहती है, इजीली नहीं हटती है। ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको लगा के काफी कुछ खा सकते हैं, मतलब इजीली ये नहीं हटती, आपके लिप्स पे रहती है, आपके लिप्स एकदम फ्लॉलेस रखते हैं, क्रस्टी नहीं रखते हैं और लॉन्ग वेयर है और मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है ये शुगर की, और ये है इन द शेड क्लियर अंडरवुड। मुझे नहीं पता ये नया शेड है या पुराना, पर वन ऑफ द बेस्ट सेलर शेड था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत प्यारा सा ब्राउन शेड है। वही शेड है जो मैंने अभी वेयर किया है, आप देख सकते हैं तो वुड ब्राउन शेड है। और अगेन ये शेड बहुत प्यारा लगता है फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे, मुझे इस टाइप के शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो लिपस्टिक है आपकी सिल्की मैट फिनिश है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन है, लॉन्ग वेयर है लेकिन ट्रांसफ़र प्रूफ। अगेन मैं इससे नहीं कहूँगी आप कुछ भी खाए पियेंगे तो ये ट्रांसफ़र होती रहती है और थोड़े टाइम बाद ये निकल जाएगी, लेकिन स्टिल कंफर्टेबल है वेयर करने में, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, हाइड्रेटिंग एंड हाईली पिगमेंटेड है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है ये कीरो की, और ये है द शेड जिंजर टी। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रेडिश ब्राउन शेड है। ये ऐसा शेड है कि आप आराम से डेली वेयर में इसको लगा सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वेयर कर सकता है, सब पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये प्रॉपर रेड भी नहीं है, प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, बीच का शेड है और ऐसा शेड आई थिंक इंडियन स्किन टोन पर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। अगेन ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है लेकिन लॉन्ग वेयर है, आपकी लिप्स पे टिकी रहती है। ये अल्ट्रा क्रीमी टाइप की लिपस्टिक नहीं है कि यू नो इधर उधर ट्रांसफ़र हो, ये मैट लिपस्टिक है, आपके लिप्स पे रहती है, इजली स्मच नहीं होती है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है ये है रॉयल पेरिस की रूश सिग्नेचर लिपस्टिक। ये न्यू शेड है जो इन्होंने एड ऑन किया है, ये है शेड आर्मर। ओके, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा रेड शेड है। और आप देख सकते हैं ये जो शेड है ये कुछ रेडिश पिंक टाइप का शेड है, क्लोज टू रेड है लेकिन पिंक टोन है, बहुत ही सटल शेड है। ये शेड बहुत अच्छा लगेगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे। एंड अगर मैं इस लिपस्टिक की बात करूँ तो अगेन ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग। अगर आपको चैपी लिप्स की प्रॉब्लम होती है, आपके लिप्स क्रस्टी रहते हैं, आप लिपस्टिक लगा नहीं पाते, तो आप इस लिपस्टिक को ट्राई करिए। इतनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग, ऐसा लगता है आपने लिप्स पे वाटर लगा लिया है और आपके लिप्स को काम डाउन भी करती है। बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता। समर के लिए एप्ट लिपस्टिक है, एकदम परफेक्ट लिपस्टिक है क्योंकि आपको बिल्कुल भी वो क्रीमीनेस, स्टिकीनेस, हैवीनेस कुछ फील नहीं होगा, पता ही नहीं चलता है लिपस्टिक लगाई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। जो लास्ट लिपस्टिक है वो है ये इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। इनसाइड ने भी कुछ न्यू शेड इसमें ऐड किए हैं। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है, लाइक अंडर 100 रुपीज़। और ये जो शेड है वो एक्चुअली दूसरी लिपस्टिक में आता है लेकिन इन्होंने इसमें ऐड ऑन किया है, और ये है शेड बूजी। और मैंने सुना ये शेड बहुत प्यारा है पर मुझे नहीं पता नॉन ट्रांसफर में ये कैसा दिखता है। तो ये शेड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं ये टॉप पे मैंने लगाया है, ये है शेड बूजी। और सब में बहुत ही प्यारा न्यू शेड है, तो पिंक टोन लगता है पर पिंक टोन ही, हल्का सा ब्राउनिश मॉव न्यूड है। और ये लिपस्टिक जैसा कहती है वैसी है, ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है जो कि आपको सिर्फ 90 रुपीज़ में मिलती है। आपने एक बार अप्लाई कर दिया और आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स पे रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, ना ही ट्रांसफर होगी। अगर आप अल्ट्रा ऑयली खाएंगे तभी रिमूव होगी, नहीं तो ये स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ रहेगी। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत।